मेरा विचार बनकर लाखों लोगों के खून में बहेगा और उस खून के हर कतरे में जिंदा रहेगा ये बालकेशव ठाकरे। हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी सुबह से मैं वेट कर रहा था इस ट्रेलर का। आज का जो एक ट्रेलर हम रिएक्शन बनाने वाले हैं वो फिल्म बाला साहब ठाकरे, उनके जीवन के ऊपर बनी हुई फिल्म है ये, तो उसी का ट्रेलर है ये जिसका नाम ठाकरे रखा गया है। तो आइए पहले ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में आपसे कुछ बातें करेंगे। ओके, स्टार्ट। मुझे बॉम्बे शांत चाहिए। इस वक्त बॉम्बे को एक ही आदमी शांत कर सकता है। नवाजुद्दीन का काम करने के लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा, एक संगठन की शुरुआत करनी होगी। अपनी सेना होगी सेना, जय शिवाजी महाराज का नाम और कर ले शुरू। अरे भीख मांगने से अच्छा है गुंडा बन के अपना हक छीनना। अगर बेलगांव का मसला हल नहीं हुआ, देश के गृह मंत्री मोरारजी देसाई को चेतावनी देते हैं। ये ठाकरे होता कौन है मुझ पर रोक लगाने वाला? मुंबई तो क्या, महाराष्ट्र की सीमाओं तक घुसने नहीं देंगे। अभी ये सब यहाँ नहीं चलेगा। पहला हक क्या के मराठी लोगों का है। आप कहते हो कि महाराष्ट्र सिर्फ मराठी लोगों के लिए है। मैं जब भी कहता हूँ कि जय हिंद जय महाराष्ट्र, तो जय हिंद पहले कहता हूँ, जय महाराष्ट्र बाद में, क्योंकि मेरे लिए मेरा देश पहले है, राज्य बाद में। और आप ही के कहने पर आपके लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। वहाँ पे तो राम मंदिर था। आपको कैसे पता कि राम लल्ला वहीं पर पैदा हुए थे? नहीं तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मैं सही हूँ या गलत इसका फैसला आपने देश की जनता करेगी, क्योंकि सबसे ऊपर मैं एक ही अदालत को मानता हूँ और वो है जनता की अदालत। जो मेरे कंधे पे है ना, वो तुम्हारा लोकतंत्र है। मैं अगर अकेला भी रह गया ना, तो लाखों लोगों को इकट्ठा करने की ताकत आज जगदम्बे ने मुझे दी है। मुंबई में हुए दंगों में भी आपका हाथ था? हाथ नहीं, पाँव था। मेरा विचार बनकर लाखों लोगों के खून में बहेगा और उस खून के हर कतरे में जिंदा रहेगा ये बालकेशव ठाकरे। जावेद में अंदर डाले दोनों मुल्कों में फिर से क्रिकेट मैच शुरू हो जाए तो हालात और भी सुधरेंगे। आपका सिक्सर याद है मुझे, एक्सेलेंट शॉट। आपकी बैटिंग इतनी भी अच्छी नहीं थी कि मैं सीमा पर शहीद हुए जवानों के परिवारों का दुख दर्द भूल सकूं। सैल्यूट 25 जनवरी। मतलब एक वर्ड बोलूंगा, कमाल। मतलब मजा आ गया, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये ट्रेलर देख के। और लास्ट का जो डायलॉग था ना, आपका सिक्सर याद है मुझे, एक्सेलेंट शॉट। आपकी बैटिंग इतनी भी अच्छी नहीं थी कि मैं सीमा पर शहीद हुए जवानों के परिवारों का दुख दर्द भूल सकूं। वो तो मतलब वो सोने पे सुहागा वो डायलॉग ने, मतलब लास्ट के डायलॉग ने हिला के रख दिया। मतलब फिल्म के बारे में बात करते हैं, ट्रेलर तो काफी अच्छा लग रहा है और नवाजुद्दीन ने मतलब क्या, जो लोग अगर नहीं बाला साहब ठाकरे को जिन लोगों ने देखा होगा वो तो देख के बोलेंगे कि मतलब सेम टू सेम वही है, मतलब क्या कैरेक्टर प्ले किया है। इसके लीड रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी मीना ताई का कैरेक्टर प्ले कर रही है अमृता राव। बहुत दिनों बाद वो भी वापस आ रही है और फिल्म रिलीज हो रही है 25 जनवरी को। फिल्म का ट्रेलर देख के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे बहुत, मैं क्या बोलूँ, मैं तो बस बहुत अच्छा लगा मुझे ट्रेलर देख के। मैंने जैसा उम्मीद किया हुआ था वैसा ही ट्रेलर है। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, रिएक्शन वीडियो मेरा पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।